लाइट लगाते हैं ना सब ऐसी लगी कि मालूम है सबके मुंह पे एलईडी लगा के आए और चमकीली तुम्हारे एक ही गेस्ट मालूम है मेरे 100 गेस्ट के बराबर है ये वाला क्या कह रहे हो मुझसे चलो 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 मैं चलूं भाई लॉन्च हो गया मेरा आज का पोस्टर ऑफ द सॉन्ग सो गाइस हेलो अरे कुछ पूछ लो यार कब से खड़ा कर रखा है तुम लोगों ने चलो मेरा हो गया हाँ खत्म कर देना हाँ चल बिहारी यू नो आगे बोलते ना पूरा लाइन चलो जी थैंक यू सो मच थैंक यू अच्छा गाना है बहुत ही लिरिक्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि एम दुराज साहब ने लिखा है इसे और उन्होंने तो बड़े कमाल के गाने लिखे हैं तो उनके गाने पे हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा गाना लिखा है और दानिश ने बहुत अच्छा गाया है दिल को छू जाने वाला गाना हाँ और हमने बहुत अच्छा काम किया है हाँ हम एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं देखो वो मैं गाना ही 3 मिनट का है मैं बोल ही दूंगा 4 मिनट पता ही चल जाएगा उसके लिए तुम्हें गाना देखना चाहिए एक्चुअली गाना देखना चाहिए बिकॉज़ उनके लिए भी हम ये बोलना चाहेंगे कि प्लीज आप गाना देखिए बिकॉज़ इट्स अ वेरी टचिंग रोमांटिक लव स्टोरी हां उनके लिए मैं ये बोलूंगा गाने का असली दिन आने वाला है 14 फरवरी सॉरी अच्छा हां तब तक आपको पता चलेगा हां मतलब गाना दर्द के बारे में है एक मतलब प्यार के बारे में है दो लोगों के मिलने और बिछड़ने के बारे में है जी तो काफी बहुत ही रोमांटिक और सैड बोलूंगा तो दोनों ही गाना है और सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी गाना चूज करने से पहले आप किस तरह का कॉन्सेप्ट पाना चाहते हैं चूज करना चाहते हैं सी कॉन्सेप्ट आई थिंक मेरे लिए वो बाद में आता है बट आई थिंक सबसे पहले गाना सुन के अगर वो एक इंटरेस्टिंग गाना धुन लिरिक्स एवरीथिंग आई थिंक एक जब गाना प्रोडक्ट अच्छा होता है उसके बाद कॉन्सेप्ट तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेते हो जो बाद में होता है कॉन्सेप्ट इज अ वेरी लेटर स्टेज ऑफ द सॉन्ग बट आई थिंक गाना जब सुनते हैं वो अगर दिल को छूता है When I know कि मुझे गाना करना है जी विशाल भाई गाना तो लोग सुनेंगे आपको प्यार करेंगे इसी के साथ आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो इसके बारे में आप कुछ बताओ हाँ विशाल से पूछा है नहीं नहीं विशाल से हाँ मतलब इसे मालूम है कहा ठीक है गाना देख ही लेंगे यार सुन ही लेंगे पहले मुद्दे की बात पे आओ बिग बॉस के बारे में बताओ भाई कुछ नहीं जानता हूँ मैं हाँ यार हम अपने गाने के प्रमोशन के लिए जिसको मैं सपोर्ट कर रहा था वो तो बाहर निकल गया विशाल भाई गाने के हाँ रुको 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 अब एमसी स्टैंड जितना चाहिए उसको चुना अपन वही जितना चाहिए मेरे हिसाब से कौन जीतना चाहिए आई थिंक शिव इज प्लेइंग गुड सो जीतना या ही इज नाइस शेमड़ी अपन स्टैंड का है ना फिर वो अभी नहीं नहीं यार मेरे मुझे लगता है वो बंदा जीतना चाहिए सही है विशाल भाई अगर गाने की बात करें तो जो गाना आप लोग ने किया ये एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल के लिए है हां तो कितना इंपॉर्टेंट रखता है कितना मायने रखता है एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल के लिए काम करना अपार्ट फ्रॉम किसी बड़े लेवल पे टी सीरीज और टिप्स जो कि वन सिंगल डोमिनेंसी ले ले के रखे म्यूजिक इंडस्ट्री तो उसके जगह पे किसी इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल के लिए काम करना देखिए मेरे काम करने का अप्रोच बहुत सिंपल सा है मेरी थाली है मुझे जिससे पैसा चाहिए मैं उससे मांगूंगा जिसका पैसा गिरेगा अगर मुझे लगा कि हाँ मुझे काम करना चाहिए काम करना चाहिए मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता इंडिपेंडेंट हर कोई नया होता है हर कोई पहली बार कर रहा होता है धीरे धीरे लोग बड़े होते हैं और गाने का काम करते हो भी काम करता हूँ नहीं धीरे धीरे लोग बड़े होते हैं और मुझे लगता है कि अभी ये राइजिंग म्यूजिक जो है बहुत बड़ा होगा और गाने का ना एक ही मुझे लगता है उसूल होना चाहिए सुनने और देखने में अच्छा लग रहा है तो लेवल क्या फर्क पड़ता है सुनने में इतना अच्छा गाना हो सो यू डोंट सी कि बैक स्टोरी है तो फिर लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को क्या आप इसी के साथ आगे किस तरह के म्यूजिक एल्बम यार लिस्ट बहुत लंबी है ऐसे सवाल का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए लेकिन कुछ भी इंटरेस्टिंग ही करूंगा और इंटरेस्टिंग आएगा बहुत जल्द
या सेम कि अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या होने वाला है, बिकॉज सब कुछ जो होता है अचानक से ही होता है एंड आगे पता नहीं क्या लाइनअप है. मन में बहुत कुछ है करने के लिए एंड आई एम श्योर कि कुछ अच्छा ही होगा. सो लेट्स वेट एंड वॉच. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. होप आप लोग गाना देखिए. जी अच्छा तुम लोग अलग से हो क्या मतलब? अच्छा ये लोग ओबीसी कोटा थे क्या मतलब? सालो एक चैनल आईडी दे. Now we are starting the song on the countdown of 1, 2, 3. Gana laga do bhai. Yahan pe audio nahi milega. So bites kar lete hain. Gana chalta hi. करण भैया शुरू करेंगे, मैं आगे जोड़ूंगा. हाँ हाँ चलिए. गाना हमने सुन के मैंने प्रोजेक्ट इसको आशुतोष को दिया था क्योंकि वी वर अ गुड फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से. तो आशुतोष के साथ फिर हमारा डिस्कशन हुआ था, काफ़ी लंबा डिस्कशन चला था कि किसको पास करना चाहिए, क्या है क्या नहीं. फिर उसके बाद हमको विशाल भैया का आया कि भाई चलो विशाल भैया को इसमें सूट करते, और वो हिसाब से फिर उनके साथ हमने सिस्टी जी को भी सूट करने का फिर प्लानिंग किया था. जब ये गाना हम लोगों के पास आया तो तुरा साहब का कनेक्शन इस गाने के साथ बड़ा तगड़ा था, और उन्होंने कहा था कि मुझे मॉडल्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए इस गाने के लिए, आई नीड एक्टर्स एंड दे टू गुड एक्टर्स. तो विशाल भैया वॉज इन माई माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सृष्टि मेरी बचपन की क्रश है. अरे रे 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 ये मुझे अभी पता चला, पूरा गाना निकल गया इस बंदे ने. बाहर दबा के रखी हुई थी अब तक. तो अब दिस आई वाज फॉर्चून इनफ कि भाई मेरे प्रोजेक्ट में, हम लोगों के प्रोजेक्ट में वी गॉट दिस चांस. कि वी आर नॉट फ्रेंड्स, आई वुड कॉल कि ये मेरे बड़े भैया हैं, वो कनेक्शन बना है हमारा. करण भैया हमारा, वी आर लाइक ब्रदर्स नाउ. और आगे बढ़े, अच्छा स्क्रिप्ट मिला, गाने को प्यारे तरीके से बनाया. सृष्टि वॉज लुकिंग सो फैबुलस. विशाल भैया आप देख ही रहे हैं, तो गाना बहुत पसंद आएगा लोगों को और इंशाल्लाह सुपर हिट. सुपर हिट. ये अपना प्रोड्यूसर बोला. ये देखो मुझे तो अब तक पता ही नहीं था, पहले बताते तो मतलब थोड़ा और मजा आता मुझे काम करना. हाँ यार बताया नहीं, मैं तो इतना झगड़ा भी कर रही थी उनसे, फिर मैं हट जाता मालूम है. मजाक कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली बहुत मजा आया इनके साथ काम करके. हमने चंडीगढ़ में शूट किया एंड इट वॉज जस्ट अ फन वन डे. हेक्टिक नहीं था. यूजली क्या होता है ना, म्यूजिक वीडियो जब आप करते हो तो इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है कि एक दिन में भी ऐसा लगता है करते जा रहे हैं. बट आई थिंक इनके साथ काम करने में बहुत मजा आया. एक दिन बहुत ईजिली निकल गया और मजा आया काम करने में. हाँ मुझे तो वो गन्ने के खेतों में बहुत मजा आया. ऑनेस्टली आई मीन वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि बहुत सदियों के बाद मैंने ट्रैक्टर चलाया था और बहुत रोमांटिक क्यों था क्योंकि इतनी अच्छी लड़की बगल में बैठी हुई. चलाना तो मुझे भी था लेकिन क्या यार, लड़कियां ट्रैक्टर क्यों नहीं चला सकती. एक हिट बताना चाहूंगा मैं, बड़ी प्यारी सी हिट है. आई विश सृष्टि ऑफेंड नहीं होगी. रात में हमने शूट का कॉल टाइम रखा सुबह 5:30 बजे का. मैं बहुत पंचुअल हूँ यार. हाँ समझ गया उसके बाद कि सृष्टि इज वेरी पंचुअल. हाँ वो बताओ. 5:30 का कॉल टाइम रखा और जब हम लोग रात में स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने उस शूट को 8 बजे से रख दिया, सुबह 8 बजे से. और सृष्टि सुबह 5:30 बजे तैयार होकर बैठ गई और नोबडी वाज ओपनिंग द गेट. मैं फोन करते रह गई सबको कि भाई शूटिंग हो रही है या नहीं, और कोई फोन ही नहीं उठा रहा. मैं बोल रही हूं हो क्या रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा. उसको सेट पे मनाया हमने और बहुत प्यार से मान गई. नहीं वो तो बनता था यार तुम्हारा मनाना इसको. वो तो बनता था क्योंकि मुझे लगा था कॉल टाइम क्या है, मैं बस सोया हुआ था. हां ये सो रहा है और मैं उठ के और उठी हूं मैं 4 बजे फॉर अ 5:30 का कॉल टाइम रेडी होकर 4 बजे उठी हूं मैं और मुझे पता ही नहीं कि शूट डिले हो गई है. सो
प्लीज प्लीज डू वॉच अवर सॉन्ग एंड लाइक एंड शेयर एंड हाँ मतलब अच्छा गाना है और प्लीज थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए इस गाने में अपना और अप्रिशिएट कीजिए या प्लीज अच्छा लगेगा सबको अच्छा लगेगा थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच 90s और 2000 का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की हम लोगों ने इस गाने में तो मजा आएगा थैंक यू इट्स बीन अमेजिंग बिकॉज पोस्टर्स बहुत प्रॉमिसिंग है एंड मैंने भी अभी तक गाना देखा नहीं है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत पहले से जानती हूँ तो आई थिंक वेरी हैप्पी फॉर देम एंड आई होप दैट दे ग्रो मोर एंड मोर इन फ्यूचर So I'm working down south. There are projects yet to start, and अभी फिलहाल के लिए कुछ ऐसा साइन नहीं किया जो मैं बता सकूँ. तो हिंदी में तो अभी नहीं किया है. South में I'm doing projects. कैसे हैं भाई? ऑब्वियसली हमें भी बहुत एक्साइटमेंट है. हम वीडियो ही देखने आए हैं यहाँ पे एंड शिष्टी और विशाल है वो दोनों हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. उन्होंने बहुत मेहनत की है इस म्यूजिक वीडियो पे तो हम एज गुड फ्रेंड्स उन्हें यहाँ सपोर्ट करना है. और मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि तभी आप हमें यहाँ देख रहे हो. Yes, we are, of course, and she's very close to us, too. So that's yes. why we are here to support her. See, first of all, Srishti is looking very beautiful. That is That's true. The best thing for the video. But anyways, the video is really nice, very well shot, very well sung. We love the voice. And of course, the beautiful couple. Yeah, the chemistry is going to be great. Dono bahut achhe performers hain. Actors bahut achhe. Yes. I was about to say that. Yeah, so. So much right to say this. सी अचानक से तो नहीं हमें तो पता था बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर बिकॉज जो उसने किया है और जिस तरह से शी स्टूड बाय दैट पर्सन शी लव्ड वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है एंड ऐसे ही लोग हैं जो आपको प्यार पे विश्वास दिलाते हैं. शी इज अ पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई लव हर एंड आई विश हर ऑल द हैप्पीनेस. अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा कुछ वो नहीं है कॉन्क्रीट की मैं आपको बता सकूँ बट होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड सून. बट हाँ मेरे दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो मैंने कंप्लीट करे हैं. द टू मूवीज वेब मूवीज तो वो इस मार्च एंड अप्रैल में कुछ लाइंड अप है रिलीज होने के लिए. यार नथिंग एज सच जस्ट शॉट विद माय भटकैम वीडियो व्हिच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट. दिस इज देयर फर्स्ट म्यूजिक वीडियो एंड अगेन देयर इज नथिंग फिक्स्ड ऑब्वियसली बट वी कमिंग सून विद समथिंग रियली एक्साइटिंग. थैंक यू हम लोग तक छुट्टियां फील कराया गाना गा रहा हूँ. ये इतने बड़े मतलब हमारी खुशनसीबी है कि इतने बड़े इनके इतने बड़े बड़े गाने हैं. ये लेजेंड ही है. ये लिविंग लेजेंड है. इनके गाने नहीं नहीं है आप लेजेंड है. इनके गाने हमें गाने का मौका मिल रहा है तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड करण भाई ने इतना प्यारा इसका वीडियो बनाया है एंड स्पेशली हमारे कंपोजर बहुत ही कमाल की धुन जो बनाई है. मतलब मज़ा ही आ गया यार. समान अयान बहुत ही मतलब ग्रेट कंपोजर होने वाले हैं. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सो मच. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. प्लीज़ इस गाने को सुने शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा राइजिंग इंडियन म्यूजिक. बहुत प्यारा गाना गाया. बहुत प्यारा गाया. नो डाउट. थैंक यू भाई. और पूछे कुछ ये आप किससे कर रहे हैं सवाल मेरे साथ? नहीं यार देखिए पहली बात तो ऐसे कुछ तैयारी की नहीं खास क्योंकि जिन लोगों ने ये म्यूज़िक किया है अमान और अयान इन दोनों के म्यूज़िक आता है और ये आप जानते हैं दानिश को ये मेरे शहर के भी हैं मेरे अपने हैं और ये करण जी हैं. इन्होंने जो है अच्छे से शूट किया और इन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया है तो कुछ खास तैयारी नहीं की क्योंकि गाना अपने आप में खुद एक तैयारी होता है. इसकी हम तैयारी क्या करेंगे. म्यूज़िक जो है सीख के लोग आए हैं और इन सब ने इन्होंने बहुत अच्छा गाया है और अयान ने और अमान ने बहुत अच्छा म्यूज़िक किया है और इन्होंने बहुत अच्छा शूट किया है और मैंने ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लिखा है हमेशा की तरह. नो डाउट.
हाँ तो ये अच्छा ही गाना हुआ, आप सुनिएगा तो मज़ा आएगा और लोगों तक पहुँचाइए इसको। लिखने में तो तुरंत सबको कोई पहुँच नहीं पाने वाला जी, नहीं ऐसा ऐसे होते हैं बिल्कुल। देखिए इन्हीं के साथ हम इन्हीं गानों की बात करेंगे, सर के साथ हमारे और भी गाने हैं, दो गाने हैं अभी जो रिलीज पे हैं आगे, तो वो भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएंगे। और बहुत अच्छा काम इन्होंने चूज़ किया। देखिए काम तो यहाँ सब तरह के होते हैं लेकिन अच्छे काम बहुत ज़्यादा नहीं होते, आप भी जानते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम जो है वो चूज़ किया और अच्छा हमसे लिखवाया, अच्छा इनसे बनवाया, इनसे गवाया, तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। मतलब राइजिंग इंडी म्यूज़िक जो है वो इतने कमाल कमाल के गाने बना रहा है। अभी हमने इससे पहले गाना किया था तेरे जिसमें से किसी और की खुशबू आती है, वो भी अमान अयान का कंपोज किया हुआ था, वो भी बहुत ही कमाल का गाना था। एंड अभी ये आया है हमारा दुआएं, तो इसको प्लीज़ इतना प्यार दें आप कि ये सारी दुनिया में छा जाए हमारा गाना। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी ये कुछ कंपोजर से पूछे, ये बताएंगे, ये नए बच्चे हैं, इनको थोड़ा आगे प्रमोट कीजिए और ये बताएंगे कुछ। अमान सनी भाई, अयान तुम इधर आ जाओ। थैंक यू भाई फॉर योर सॉन्ग। अयान वो अमान आ जाओ भाई, तुम इधर आ जाओ, तुम दोनों लोग बात करो, आ जाओ। मैं हूँ आ जाओ इधर, आ जाओ आप आगे। अरे मैं हूँ इधर, आप हाँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मुझे पहली बार अभिनव भाई का कॉल आया, ये अभिनव सर हमारे इंडियन आइडल में जो है वो मतलब क्या ही बताऊँ, प्रोजेक्ट हेड है, तो इनका मेरे को कॉल आया कि दानिश आपको ऐसे ऐसे ये गाना गाना है, तो मैंने गाना सुनते बोला कि अभिनव भाई ये गाना मैं ही गाने वाला हूँ। मैं कह सर ये गाना किसी और को मत देना आप, ये गाना मैं ही गाने वाला हूँ। और गाना इतना प्यार मिल रहा है तेरे जिसमें से, उसको भी बहुत प्यार दिया, ये दुआएं भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी 4 लाख व्यू समथिंग हो गए हैं, तो प्लीज इसको और सुने। थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी। अरे वाह 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 लगे हुए हैं, क्या इन्होंने अपने को होल्डिंग दिए सब दिए। अरे वाह 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 सर, प्लीज कुछ आप कुछ कहें। योगेश जी, योगेश लगा, और ये हमारे योगेश जी, पूरा बॉम्बे इन्होंने होर्डिंग से छाप दिया है। थैंक यू सो मच सर, आपके होर्डिंग हम आते जाते देख रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ, अभी अभी जस्ट मैं आइडल का शूट फिनिश करके आया मैं और सनी, आते हुए हमने 3 पोस्टर देखे आपके, थैंक यू सो मच यार, क्या बात है योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही अच्छा गाना अभिनेश भाई, अरे मेरे भाई बहुत ही अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह और भी अच्छा जाएगा, हमारी दुआएं हैं। और आपने बहुत ही कमाल गाया, इन्होंने गाया और इन्होंने सजाया। अरे सर ऑल गुड, बढ़िया, क्या हाइट है भाई की, 6'3" क्यों ना दानिश भाई दो लाइन गा दे गाने की, बढ़िया। हाँ बिल्कुल, दो लाइन गा देंगे तो मजा आ जाएगा। अमान यार आपने साथ गाना है मेरे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ बहुत शोर है। अमान आ जाओ, अमान दर्द ले के तेरा कहाँ जाए बता, तेरे प्यार ने भी मुझको कह दिया अलविदा, ऐसी क्या थी खता जिसकी दी ये सजा, जिस्म से जैसे जान हो गई है जुदा, मेरी तन्हाई किसको बनाऊं, मेरा गम मैं किसको बताऊं, सारी दुआएं लौटाई है टकरा के किस्मत से, सारे सितम मुझ पे किए हैं मेरी ही मोहब्बत ने। थैंक यू जी। पीछे हो जाना।